हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर चुके हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है, वे पावर ग्रिड में जेई बन सकते हैं। आइए दोस्तों, हम पावर ग्रिड के इस वैकेंसी नोटिफिकेशन को समझते हैं। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया एक सरकारी कंपनी है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। भारत में जितनी भी एनर्जी जनरेट की जाती है उसका 50% पावर ग्रिड ही ट्रांसमिट करता है। यह वैकेंसी पावर ग्रिड के नॉर्दर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम 1 में आई है। इस रीजन में 5 राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। अगर आपका सिलेक्शन होता है, इन्हीं 5 राज्यों में से किसी एक राज्य में आपकी पोस्टिंग होगी। डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 है, जिसमें जनरल का 11, ओबीसी का 7, एससी का 6, एसटी का 2, ईडब्ल्यूएस का 4 और पीडब्ल्यूडी का 2 वैकेंसी है। सिविल के भी कुछ वैकेंसी है। दोस्तों, आपको लग रहा हो कि सीट बहुत कम है, पर इससे आप डरिए नहीं, आप बेतरक अप्लाई कीजिए पावर ग्रिड में। दोस्तों, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग एंड पावर इंजीनियरिंग में 3 साल का किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा होना चाहिए। जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को डिप्लोमा में कम से कम 70% अंक प्राप्त होने चाहिए। एसटी एससी कैंडिडेट को ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं रखी गई है। मैक्सिमम एज 27 साल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 30 साल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, 32 साल एससी एसटी के लिए। सबसे अच्छी बात डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट के लिए यह है कि कोई भी हायर क्वालिफिकेशन वाला इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, जिससे कि इस पोस्ट के लिए कंपटीशन बहुत ही कम हो जाता है और आपकी सिलेक्शन होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए मेरा सजेशन है, डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट जरूर से जरूर अप्लाई करें। क्वेश्चन पेपर पैटर्न। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए सिर्फ एक एग्जाम 2 घंटे का होगा और क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में होंगे। टोटल 170 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, जिसमें पार्ट 1 में 120 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन होगा। पार्ट 1 में टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट किया जाएगा आपका। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 120 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से पूछे जाएंगे और सिविल वालों के लिए 120 क्वेश्चन सिविल से पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में जनरल एप्टीट्यूड की क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे, जो सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए कॉमन होगा। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, अगर आप 1 सही करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अच्छी बात यह है दोस्तों कि क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगा। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन रिटन टेस्ट। जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर मिनिमम 40% मार्क लाने होंगे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, और सेपरेटली पार्ट 1 में 30% मार्क और पार्ट 2 में 30% मार्क लाने होंगे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। उसी तरह रिजर्व्ड एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर 30% मार्क लाने होंगे, और अलग अलग पार्ट 1 में 25% और पार्ट 2 में 25% मार्क्स लाने होंगे। ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जब आप फुलफिल कर देंगे तभी आपका सिलेक्शन के लिए एनसीसी कंसीडर किया जाएगा।
एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फी देने होंगे। एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को कोई फी नहीं देना होगा, उनके लिए यह एप्लीकेशन फ्री होगा। हाउ टू अप्लाई, आप सिंपली ऑनलाइन पावर ग्रिड के वेबसाइट पर जाकर करियर ऑप्शन में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, यह फॉर्म भरने का लास्ट डेट 15 जून 2021 है। आप इस फॉर्म को 15 जून 2021 रात 12:59 के पहले तक भर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कई वीडियो आने वाले हैं, जो कि आपके नॉलेज को बढ़ाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आपकी मदद करेगा। थैंक यू।